कौन से घर से आए हो? बताओ तुम्हारे बाप को। आप तो ऐसे कह रहे, मैं नशे करता पकड़ा गया हूँ। कोई बोल नहीं मिलेगी, तब आ जाओ। अजीब आदमी, पता नहीं क्या करता होगा इतनी गंदों का। बोल दो भाई, आ जाओ। अबे कहाँ रह गए ये? अभी ये क्या पार्टी है? मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या पार्टी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अबे किधर मुंह काला करा था फिर ये? कासिम के पास गया था पढ़ने। आजा आजा अंदर आजा, और झूठ कम बोला कर। जी अब्बा। आजा अंदर। जी आया अब्बा। बिला शुबा पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। लेकिन कुछ पड़ोसी तो ऐसे भी होते हैं जो पड़ोसी होने को फुल कैश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सामने वाला जोन सा फ्लैट है ना, इसमें हम नए आए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, तो किसी चीज की जरूरत? जी जी। अच्छा बोले। उसमें हमारा फ्रिज जोन सा है ना, अभी अभी ऑन किया है। अरे बस इतनी सी बात थी? आशीर बेटा पानी की डंडी बोतल ला के देना अंकल को। मैंने कहा बर्फ है तो वो भी दे दे। हाँ मिल जाएगी। वो बिस्तर जोड़ने लगे हम। अच्छा अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी से आना होगा आपके पास। अच्छा मैं ला देता हूँ। खाना बनने लगा। अच्छा तो खाने में क्या डलता है? टमाटर। मिल जाएंगे थोड़े से? आशीर ये अंकल को जो चाहिए दो यार इन्हें। जी माचिस मिल जाएगी, इस्त्री है, एल्फी होगी, एक्स्ट्रा बिनियान, ताश के पत्ते हैं, एक्स्ट्रा नाड़ा। बस कर दे भाई बस कर, परचून की दुकान समझ रखी क्या? क्या क्या मांगेगा? जायदाद के अलावा सब कुछ। बड़े मियाँ 30,000 रुपए चाहिए मुझे इस महीने। अबे पागल वागल हो गई क्या? खैर है, काहे के 30,000? जुए में तो नहीं लग गई? तमीज से। अबे तू किस लिए चाहिए 30,000? अब से हर महीने चाहिए होंगे। मजाक कर रही है ना? अरे ये पड़ोस की औरतों के साथ कमेटी डाली है, हर महीने सब अपने अपने पैसे जोड़ेंगे, बारी बारी सबको इकट्ठे मिला करेंगे। कोई तुक नहीं बनता वैसे। अरे बचत हो जाएगी, तुक काहे नहीं बनता। अरे ये बताए कितनी औरतें? 4, मुझे मिला के 5। पहली कमेटी की बारी किसकी? तुझसे मतलब? अरे बता ना, वो सामने वाली जायदा नहीं है, पहली उसी की बारी है। वरिजम की बीवी? हाँ क्यों? ये कमेटी का आइडिया भी उसी का ही होगा। हाँ अरे उनका मालिक है, मकान निकाल रहे उन्हें, डिपॉजिट के पैसे तलाश करता फिर रहे उसका शोर, दूर रहे इन चक्करों से। अच्छा सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गली के कुत्तों के बारे में बात करनी है। हाँ तो जा कुत्तों से ही कर। ये आपके साहबजादे कुत्तों को खाना डालते हैं। ये तो मेरे बेटे और आपके दरमियान का मसला है, आपको पसंद नहीं है तो आप ना खाया करें। जी अबे मसला क्या है? अरे मसला ये है कि गली में कुत्ते ज्यादा हो गए। अबे क्यों झूठ बोल रहे? कुल 2 कुत्ते, एक को हम खाना डालते हैं, अगला तू खुद ही समझ ले। देखिए बात समझिए, अगर कुत्ते ने किसी को काट दिया फिर? और तो और आपका बेटा बिल्लियों को भी खाना डालता है। अबे तुझे क्या मसला है बेजबान जानवरों से? देखे इंसानों का महल है। अबे तू इंसान बन, खबीस ना बन, ये कुत्ते बिल्लियों के पीछे भागने से तू गली का नाजिम नहीं बन जाएगा। देखे ये मत भूले आप लोग रेंट पर हैं। अबे तू ना मुझे इजी ले रही है, कारोबारी आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना पैसा है तेरे मुँह पे मार के तुझे खरीद लूँ और रसीद भी फाड़ दूँ, समझा? देखे मैं आपके घर के ओनर से बात करूंगा। अबे जा जा, जो उखाड़ ले उखाड़ ले, अब दरवाजे पर आएगा टांगे तोड़ दूंगा। देखे दबीर ये वो मैं किचन में जा, हड्डियाँ बची बड़ी हैं, जा कुत्तों को डाल दे। जी अब्बा। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। यार ये लो। ये क्या? ये एक्चुअली कल टैंकर डलवाया था बिल्डिंग में, पानी खत्म हो गया था तो उसका बिल है। अबे भाई कौन सा टैंकर कौन सा पानी, मुझे तो कोई पानी वानी नहीं मिला। पानी तो मोटर चलाते ही खत्म हो गया था, आपको भरना चाहिए था ना, हमें खुद बहुत कम मिला पानी। यार जुनेद भाई कुछ शर्म कर लो, मुझे बताया राशिद ने सब। क्या बताया? यही कि छत पर आप सबके वाल बंद कर लेते हो और खुद पानी भर लेते हो। नहीं नहीं कल मेहमान आए हुए थे आपके। अरे मेहमान का इस बात से क्या ताल्लुक? अबे भाई कुछ खुदा खौफी कर लो, खुदा को मुंह भी दिखाना है, सारा पानी खुद उड़ाओ, पैसे अंबर है। यार देखे काशिफ काइंडली पैसे जमा करा दे, नहीं तो फिर मजबूरन आपका वाल्व बंद करना पड़ेगा। अबे बंद वाल्व को और क्या बंद करेगा, तमीज से बात करें। अबे तमीज के काबिल है तू? तेरे पूरे पूरे खानदानी टप्पर के कपड़े तेरे घर पे धुलते हैं, आशी मचा रखी है पानी की। अरे गलत फहमी हुई आपको, कपड़े तो हम धोबी से धुलवाते हैं। अच्छा जी जी, तो ये ऊपर तेरी बालकनी में मेरे पजामे लटक रहे हैं। hmm.
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अंकल। ही हलीम, अरे जीता रे सदके, थैंक यू बेटा। प्लेट दे दे, खाली कर लूं पहले। जी सबर कर, ये ले बच्चे, अम्मी को थैंक यू कह देना आज से। जी अंकल। अंकल ये हलवा ले ले। अरे वाह अरे वाह, थैंक यू। वो हलीम बहुत मजे का था भाई दी पे। थैंक यू अंकल, प्लेट दे दे। अबे अच्छा दे रहे हो अंकल। जलेबी अंकल, दाल अंकल, केले अंकल, बॉयल चावल अंकल, सालन। अबे तू जान के कर रही है, किसी ने छोड़ा है मेरे पर? जी। अबे बस कर दे भाई, तूने तो रोज का ही बना लिए। अंकल वो खाना बच जाता है ना फ्रिज में, आपको नहीं देंगे तो जाया हो जाएगा। अबे पड़ोसी हूँ तेरा, पालतू कुत्ता हूँ, बचा खाना डाल रहा है मुझे। तवीर तूने मोटर बंद कर दी थी? भूल गया। अबे जा जल्दी बंद कर, पानी बहने की आवाज आ रही है। पानी बह रहा है छत से? जी कर दी मोटर बंद, शुक्रिया। कर दी मोटर बंद? जी अब्बा। दरवाजे पे कौन था? बंदा था, वही पानी का बताने आया था। पानी बह रहा है भाईजान? जी जी पता है, कर दिए मोटर बंद। ख्याल रखा करे। अबे भाई ठीक है, लग गया पता। अबे भाई कहा ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे भाई आपके 5 मिनट चाहिए, जरा दावत देनी है। अस्तग़फिरुल्लाह। यार सोच, हम स्पाइडरमैन होते यहाँ से कूद कर उड़ जाते। मैं तो सुपरमैन होता। अबे सुपरमैन तो पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है। और चल थूकते हैं, जिसका थूक जमीन पर पहले गिरा वो जीत गया, ज्यादा आगे जिसका गया वो जीता। करा बॉल करा, और सिंगल नहीं है डबल डबल है, और वन टिप आउट भी है। हाँ सेट है, रेडी हो जा। ओए पकड़ पकड़। क्या हो रहा है ये? क्रिकेट खेल रहे हैं, थूक फेंक रहे हैं। कुछ शर्म होती है, सोने की कोशिश कर रहा हूँ उस वक्त से। छत कोई खेलने की जगह है? अंकल ये कोई सोने का टाइम है। हाँ जी साहब। अबे बंदा कोई सलाम कर लेते है। अस्सलाम वालेकुम। बोल क्या बात है? मेरी नई गाड़ी पर चाबी का स्क्रैच पड़ा हुआ है। ओहो फिर आपने मारा है? अबे जाहिल आदमी, मैंने मारा होगा तो खुद क्यों बताऊंगा? आपके अलावा कौन हो सकता है? अबे अंजुम से पूछ, उसकी जगह पे खड़ी की थी ना, हो सकता है उसी ने सजा के तौर पे मारा हो स्क्रैच। जिसने भी स्क्रैच मारा है ना, वो बगैरत उसका पूरा खानदान बगैरत। जो कहते हैं वही होता है। मैंने नहीं मारा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। भरोसा नहीं कर सकते। सही बात है, मेरा चाय का बड़ा मूड हो रहा है ऐसे। मैं तो नहीं पीऊंगी। मैं तो पीऊंगी, जरा बेटी से कहकर बनवा देना एक कप। अबे किसको घुसा लिया घर में तेरी माँ ने? ये रूमेश आंटी है पड़ोस वाली। अबे आधी रात हो गई है, इसने रात यहीं रहने के? अम्मा तकल्लू पे बेटी कुछ कहती नहीं है, शाम से आंटी दे रही है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम भाई साहब, आपका बड़ा सुना है, आए बैठे। वो आपके खावन की कॉल आई थी, कह रहे थे रात बहुत हो गई और रुमेशा को घर आ जाए। मेरे खावन तो फोत हो चुके हैं कब के। अच्छा हाँ जी, आपको किसकी कॉल आई थी? तो बस फिर आप भी समझ जाए, अब रात बहुत हो गई है। शाबाश, आपके घर वालों की वजह से मैंने सारी खुशियां कुर्बान कर दी। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि अपने घर वालों को छोड़ दे। साले आपके खानदान के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, शहजादियों की तरह रहती थी मैं अपने घर। साले है चुप हो जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ दफ्तर का। आपको जरा सी भी परवाह नहीं है। आहिस्ता बोलो, सारी आवाजें बाहर जा रही है। नहीं बोलूंगी आहिस्ता। बंद करो बकवास, आवाज ना आए। अब सब खैर? हाँ हाँ। लड़ने की आवाज आ रही थी? वो नहीं, वो टीवी लगा हुआ था, आपको तो पता है आजकल के ड्रामा।